गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से हम विद्याविहार स्कूल की ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं। क्लास सेवेंथ, आज का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि आपके सामने मैंने ऑन बोर्ड लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर फर्स्ट साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो बिल्कुल सेम चैप्टर हैं, आप क्लास सिक्स में स्टडी कर आए हुए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वगैरह पढ़ के आए हुए थे, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल और प्लांट ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। हम इसको स्टडी कर रहा है पहले से। अब इस बार जो है वो हमारा पहला चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में न्यूट्रिशन। सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ ऐसे पोषक तत्व जो इंसानों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनसे हमें मिलने वाला जो पोषण होता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सबसे पहले, इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आपने पढ़े हुए हैं, पहले जो मैंने पांचों नाम लिए, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और इन्हीं के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इनको लेने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर का संबंध प्लांट से है, तो ये प्लांट के लिए भी, उनको बढ़ने के लिए, हम प्लांट को हम नॉन लिविंग थिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, प्लांट को हम किसी में रखते हैं, लिविंग थिंग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो लिविंग होते हैं। जिस प्रकार हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उनको भी भोजन की ज़रूरत होती है। हमारे ह्यूमंस में क्या होता है भाई, वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ऐसा उनमें भी होता है। फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये मोड होते हैं उनके। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। All living organism require food, plant can synthesize food for themselves, but animal including human cannot। जैसा कि आप जानते हैं, सारी living things को भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इनमें से कुछ, जैसे plant की बात करते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए केवल ग्रीन प्लांट को, इन लास्ट क्लास मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि केवल और केवल ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो केवल और केवल ग्रीन प्लांट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फिर इनमें भी दो मोड होते हैं, जैसे लिखा है नीचे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए, दो प्रकार से इनने बताया है, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताया मैंने, दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक, एंड अदर वन है हेटरोट्रॉफिक। ये दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। इनमें क्या होता है, इन प्लांट की बात चल रही है तो प्लांट में भी मैंने कहा दो प्रकार से आ गया। ऑटोट्रॉफिक जो होता है अपने भोजन स्वयं बनाने वाले, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन, वैसे सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, मैं आपसे भी पूछूंगा। देन सेकेंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो थोड़ा बहुत निर्भर रहते हैं, किस पर, अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने जीवन के लिए, दूसरे प्लांटों पर जो डिपेंड होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो भाई दोनों न्यूट्रिशन समझ में आ गए भाई आपको, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। अब इनमें होता क्या है, भोजन किस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट बनाते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है,
कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट। उस प्रोसेस को क्या कहते थे हम? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते थे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सी प्रोसेस होती थी भैया? ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। उनका भोजन क्या बनता है? मैंने तो यहाँ तक बताया था कि भाई वो ग्लूकोज बनाते हैं। वो वाला ग्लूकोज नहीं जो मेडिकल में मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। वो इनका फूड जो होता है, उनके अंदर जो बनता है स्टार्च के रूप में अंदर उनके अंदर बनता है, उसको हम ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला जो है, जो फूड है वो है C6H12O6। ये इनका भोजन, जो प्रोडक्ट होता है प्लांट का भोजन में, वो ये बनता है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपने लास्ट क्लासों में पढ़ी हैं और जो इससे थोड़ा लीक से हटकर चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लीव्स नहीं होंगी, लीव्स जो इसकी फूड फैक्ट्री कहलाती है, प्लांट की लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है। क्या नाम है? फूड फैक्ट्री ऑफ। तो फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में, ठीक है, ये फूड फैक्ट्री कहलाती है, लीव्स में बनता है। लीव्स में क्या क्या होते हैं? स्टोमाटा होता है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं अपन, है ना, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में क्या है? ग्रीन कलर के पिगमेंट होता है, छेद होते हैं, तो वो उस तरीके से सनलाइट को ऑब्जर्व करके जितना बड़ा पत्ता होगा उसमें उतने ज़्यादा स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे एयर सनलाइट ट्रैप होती है, अंदर बाहर जाती आती है। तो ये स्टोमेटा के बारे में बात हो गई, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो गई, फिर ये बताया कि स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, उसके अंदर से एयर ट्रांसफर होती है। चलिए, इसके अलावा ये आपका क्या हो गया? ऑटोट्रोपिक के बारे में हो गया। अब हम हेटरोट्रोपिक के बारे में पढ़ते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो कैसा होता है? दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो नहीं होता है। अब वो नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो फिर क्या होता है? हाँ, हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम द वेयर दे डू ड्राइव न्यूट्रिशन, लाइक डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्शन बाई अदर प्लांट। इसलिए वो अदर प्लांट पर, जो उसके नियर बाई प्लांट कोई होता है उस पर वो डिपेंड रहते हैं कि भैया उसका जो न्यूट्रिशन है वो उसको सोख लेते हैं, उसके ऊपर वो पलते रहते हैं। तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका हेटरोट्रॉफिक। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने अपने घर में मम्मी जी, पापा जी या दादाजी से आपने सुना होगा कि अमरबेल नाम का कोई प्लांट सुना होगा। क्या होती है वो? वो उसका जड़ नहीं होता और उसके पत्तियां भी बिल्कुल वैसी छोटी छोटी सी पत्ती सी होती हैं, उसके अंदर कोई स्टोमेटा नहीं होता, ग्रीन कलर की नहीं होती, है ना, ब्राउनिस होती है, गोल्डन ब्राउनिस। तो वो क्या करती है? वो कोई प्लांट अगर बगल से होता है, उसके नियर बाई होता है, तो उसके ऊपर वो बेल फैल जाती है और अपना काम चला लेती है कि भैया मैं जिंदा रहूँगी। इसका न्यूट्रिशन वो ले लेती है जिस प्लांट पर जाएगी वो। जिससे क्या होगा? जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ी होती है ना, तो उसका जो न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वो वाला प्लांट कमज़ोर हो जाता और ये फलती फूलती रहती हैं, ठीक है। फिर आता है कैस्क्यूटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अब एक पैरासाइट न्यूट्रिशन और होता है, इन्हीं के अंदर आते हैं सारे हेटरोट्रॉपिक के अंदर। पैरासाइट न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसमें हाउ हैव यू सीन अ हेयर प्लांट विच ईट एनिमल, सॉरी ये नहीं है, यस, तो पैरासाइट होता है कैस्क्यूटा। इसके अलावा आपने और अदर प्लांटों के बारे में नाम सुना होगा, इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मॉल्ड होता है, मशरूम्स आपने देखे हुए होंगे, वो भी एक प्रकार से परजीवी है। इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं और
इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको खुद लर्न करने हैं, पढ़ने हैं। जैसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है मैंने बताया आपको, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगों को अपने ऊपर बैठने के बाद उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको खा लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता ही है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट के आपको ओरली सुनना है, जो कुछ भी इसका पीडीएफ के थ्रू या नोट्स के थ्रू आपके, जैसे हमने लास्ट ईयर हमारे विद्यालय ने बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास को पूरी वर्ष संचालित किया था क्लास 6 से 8 तक, तो इस बार भी हम बेटर करने की, हर बार हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हमने बहुत बेटर तरीका निकाला जो आप जिस माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिज टेक फूड। ऑर्गेनिज भोजन क्यों लेते हैं, क्यों खाते हैं, भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। अब ये तो हम सभी बता सकते हैं, भैया हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एनर्जी मिले, है ना, हम एनर्जी प्राप्त करें और हम स्वस्थ रहें, अपने आप को एनर्जी से हम क्या करेंगे भैया, वर्क कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर रहती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमें एनर्जी नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियाँ हमको जकड़ लेगी। तो उसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। इसका आंसर है बहुत सरल शब्दों में दिया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम देयर लाइफ प्रोसेसेस। सभी जानते हैं सभी को अपने जीवन यापन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। इसके अलावा दूसरी तरफ एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर प्लांट एंड अदर एनिमल। उसी प्रकार एनिमल या ह्यूमन कोई भी हो, जो भी लिविंग है वो अपना भोजन प्लांटों से या अदर एनिमलों से प्राप्त करता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। हैंस एनिमल नीड टू टेक फूड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो भोजन की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि हमें पोषक तत्व मिल, पोषण मिल सके पर्याप्त और एनर्जी मिल सके जिससे हम काम करते हैं। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोफेट। ये भी दोनों प्रकार न्यूट्रिशन के ही मोड हैं, कौन कौन सा, सेप्रोफेट एंड पैरासाइट्स। तो बढ़िया सा आप चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एक साइड सेप्रोफेट्स एंड एक साइड पैरासाइट्स। तो सेप्रोफेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। इसमें इसका न्यूट्रिएंट्स जो है, इसके जो परजीवी होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से, उसके ऊपर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस और इस साइड का एग्जाम्पल जो है, एक सेप्रोफेट का एग्जाम्पल बताया वो है फंगाई, फंगाई फंगी आप जो भी इसको सुटेबल लगे आप बोल सकते हैं। एंड पैरासाइट्स वाली लाइन में बता रहा हूँ आपको, पैरासाइट्स लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट। पैरासाइट्स क्या होते हैं कि किसी भी होस्ट पर, होस्ट मतलब होता है जिससे वो भोजन ले रहे हैं, जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, जैसे अमरवेल बताया था हमने, तो वो किसी प्लांट पर चढ़ा है तो उसका वो जो प्लांट है क्लम्ब कर गया उस पर, तो जो प्लांट है वो होस्ट है। तो किसी होस्ट पे ये ऊपर उसके ऊपर बैठकर अपने भोजन को लेते हैं एंड एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो थोड़ा एक्टिविटी है एक, उसको बेटा आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप कैसे पता लगाएंगे कि पत्ती में स्टार्च है, लीव्स में स्टार्च है या नहीं।
तो ये एक एक्टिविटी है, तो इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को रिक्वायर्डिंग रहेगा, वो हम बताते हैं कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको केवल सुनना है उस चीज़ को। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स, दो हमने पॉट लिए अलग अलग प्लांट के रखे हुए हैं। कीप वन इन डार्क फॉर 72 hours एंड अदर्स इन सनलाइट, दो हमने गमले लिए और एक को हमने अंधेरे कमरे में कहीं कॉर्नर में रख दिया और दूसरे को हमने छत पर जहाँ पर्याप्त सनलाइट एयर सब कुछ बढ़िया उसको मिल रहा था वो वहाँ रख दिया। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट इन गिवन ब्लू, अब हम दोनों इस प्लांट की भी एक पत्ती लेंगे और इस प्लांट की भी ऐसे पत्तियाँ ले लेंगे और हम उसको चेक करने जाएंगे। नाउ लीव ऑफ द पॉट विच डज द अर्लियर कैप्ट इन द डार्क, जो हमने पहले डार्क स्थान पर एक जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ रख दिया था। एंड अंडरस्टिल द 3-4 days एंड द परफॉर्म ऑफ आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, तो हम उस पहिया पत्ती को लेके उसका आयोडीन टेस्ट कर लेते हैं पहले एंड 3-4 दिन बाद फिर उसको हम टेस्ट करेंगे। कैसे करते हैं आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, जो लीफ है उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दीजिए या पत्ती के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए, दोनों एक ही बात होती है। ऑब्जर्वेशन, अब हम देख क्या रहे हैं, देखो एक्टिविटी जो होती है उसको हम देखते हैं, एक प्रैक्टिकल के छोटे प्रैक्टिकल का ही रूप होता है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ लीव्स ऑफ द प्लांट कीप्ड इन सनलाइट, जो ऊपर छत पे सनलाइट में पौधा रखा था उसकी लीफ पर क्या है ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हमको हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो बताता है कि इसके अंदर स्टार्च है। एंड अदर साइड जो है ब्लू ब्लैक कलर विल बी नॉट, कौन से वाले पे, जो दूसरा घर में अंदर रखा हुआ था पौधा उसके ऊपर हम देखते हैं उसकी पत्ती पे कि हमें ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जो डार्क रूम में पत्ती लगी हुई थी रखा हुआ था गमला, तो उससे हमें पता चल रहा है कि उसका स्टार्च खत्म हो गया है, सूख गया है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर एयर नहीं मिली। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है था वो कंप्लीट हो चुका है। एक एक्टिविटी है, जब कभी रेगुलर स्कूल लगे तो हम इसको, मैं आपको बिल्कुल हमारे यहाँ लैब में आपको करके दिखाएंगे इसको। जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्कूल में सारी फैकल्टीज़ हैं छोटे बच्चों के लिए, 6th standard से अपन लोग प्रैक्टिकल्स कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में भोजन कैसे सिंथेसाइज्ड होता है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन छोटे छोटे शब्दों में लिख दीजिए। तो ग्रीन प्लांट यूज अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो हम काफ़ी टाइम पहले पढ़ के आए हैं 6th class से, या 5th में ही पढ़ा हुआ था लेकिन तब मुझे ध्यान नहीं है, क्लास 6 से मैंने आपको बिल्कुल ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है। ग्रीन प्लांट यूज अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। बहुत से बच्चों को फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं पता होता है, इन हिंदी में ऐसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या आया इसमें? लाइट आया। अब बिना लाइट के तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, हो ना? यस, तो सबसे पहले इसकी स्टेप्स हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू लीव ऑफ द प्लांट, इसका जो वाटर जो होता है वो सबसे पहले रूट्स, ये तो पता है अगर जड़ नहीं होगी तो प्लांट नहीं होगा, रूट्स नहीं होगी तो पेड़ खड़ा ही नहीं रहेगा। तो रूट्स का क्या काम है कि जो गमले में लगा हुआ है, किसी जगह पर लगा है, खेत में लगा है, फील्ड में लगा, कहीं भी, वो पानी को ऑब्जर्व करके पूरे प्लांट के हिस्सों में पहुंचाएगी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब प्लांट भैया, हमें सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें गिव करते हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है प्लांट के द्वारा हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर
एंटर द लीव्स थ्रू द पोर्स, पत्तियों पे प्रेजेंट जो छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, देखिए पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब, उनके माध्यम से अंदर जाती है, उनके थ्रू अंदर जाती है एंड डिफ्यूज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में जाके वो डिफ्यूज हो जाती है। थर्ड पॉइंट, वाटर मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो पानी गया था उसके अंदर वो सनलाइट से रिएक्ट करके या सनलाइट ने उसको तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग। फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कंबाइंड जो हुआ विद ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बन गया, किससे, कार्बोहाइड्रेट बन गया। एंड लास्ट स्टेप इज फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आइए मैं आपको एक इक्वेशन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो एक रिएक्शन आती है, क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, प्लस वाटर उसने ले लिया था, अब क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट होता है और सनलाइट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बिना सनलाइट के ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, एंड आपका बन क्या गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट, और आपको ऑक्सीजन गैस मिल गई, आपको ऑक्सीजन गैस भी मिल गई। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, बताइए एक प्लांट, एक स्केच के माध्यम से कि प्लांट जो है वो सोर्स ऑफ फूड है, किस प्रकार से, तो वो आपको बताएंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, इसमें एक डायग्राम है बुक में आपको मिलेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई एक प्लांट है, मान लीजिए हम लोग वीट लेते हैं, गेहूँ जिससे हमारे यहाँ रोटियाँ चपातीस बनती हैं, राइस लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, नहीं सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। अरे भाई नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर तरीके से आप प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। कैसे बताता हूँ मैं आपको, मान लीजिए आप एग लेते हैं, एग कहाँ से आता है, हैन से, हैन कहाँ से आती है, हैन दागा दाना चुगती है तब वो जिंदा रहती है, तब जाके वो एग देती है ना, तो दाना कहाँ से आता है, प्लांट से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट क्या हुआ, जैसे वेजिटेरियन लोग हैं वो डायरेक्ट खाते हैं भैया, और इनडायरेक्टली कैसे आया, एग मीट फिश इन सब के जरिए इनडायरेक्टली आया। तो ये नॉर्मल सी बात है, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यस द प्लांट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम आपको फिर एक बार रिपीट कर दें कि हम ये जो क्लास है ऐसे रेगुलरली आपसे हम जुड़े रहेंगे और बर्वली आपको सब कुछ ये ऑन कराया जाएगा, और उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल होंगे तो आपको भेज दिए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओवन फूड,
ग्रीन प्लांट क्या कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सेकेंड है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, अभी हमने पढ़ा था जो उनका भोजन बनता है वो C6H12O6 बनता है, इसको ग्लूकोज या स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि उनका भोजन है ना, क्या कहते हैं इसको? स्टार्च। स्टार्च कहाँ है भाई? STARCH, स्टार्च। थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय पिगमेंट, मैंने बताया था वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये जो हरा कलर होता है पत्तियों में, उसकी ब्रांचेस में, वो बहुत आवश्यक होता है, यही सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस, तो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमको रिटर्न वापस करता है, जिसे हम रेस्पिरेशन के लिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए ह्यूमन उसको यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, यानी नाम बताइए इनका, एक मतलब बनवर्ड, एक तरीके से हमने बनवर्ड पढ़े हुए हैं कि भाई एक शब्द में उत्तर देना है, तो वो इस बुक के हिसाब से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर, अ पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट हम पढ़ चुके आए हैं कैसे होते हैं, विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांचेड स्टेम, कौन सा था वो, अभी हम पढ़ के आए थे, एक पैरासिटिक प्लांट जो येलोइज होता है, हल्का पीले कलर का होता है ना, और उसका जो स्टेम होता है ब्रांच होता है, बहुत सारी उसमें पतली पतली ब्रांचें निकली हुई होती है, तो वो है कैस्क्यूटा। क्या है वो? कैस्क्यूटा। एंड सेकंड है, अ प्लांट दैट इज पार्टियली पार्टियली ऑटोट्रॉपिक, ऐसा प्लांट का नाम बताइए जो पार्टियली ऑटोट्रॉपिक हो, कभी कभी वो हेटरोट्रॉपिक बन जाता है, कभी कभी ऑटोट्रॉपिक बन जाता है, तो वो है पिचर प्लांट। क्या है वो? पिचर प्लांट। एंड थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, वो पोर्स बताइए, वो छेद बताइए जिनके थ्रू प्लांट में गैसों का एक्सचेंज होता है, वो है स्टोमेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का था, नेम द फॉलोइंग कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करा रहे हैं, तो पहला वाला है ये टिक द राइट है, आपको टिक द राइट बताना है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे ख़त्म मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप बता देंगे सर इसका आंसर क्या है। तो कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा, अपन अभी उसमें पढ़ के आए हैं, तो कैस्क्यूटा एक एग्जाम्पल है पैरासाइट का, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। एंड इसी के साथ सेकंड वाला है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट एड्स, वो प्लांट का नाम बताइए, उन प्लांट को क्या कहते हैं जो उनके ऊपर बैठने वाले इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है और उनको अपना भोजन बना लेता है, उसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवायरस प्लांट है, इंसेक्टिवायरस। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैच द कॉलम है, आपको केवल मैचिंग मिलानी है कि भाई कौन सी बात किसके साथ अप्लाई हो रही है, किसका कौन मैचअप है। तो फर्स्ट कॉलम में इस साइड दिया है क्लोरोफिल, तो नॉर्मल सी बात है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, अभी हम पूरा पढ़ के आए हैं, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो लीफ्स में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लीफ में, तो लीफ के सामने क्लोरोफिल के सामने लीफ लिख देंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन राइजोबियम का बिल्कुल सही आंसर है। एंड कैस्क्यूटा क्या है, कैस्क्यूटा को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो पैरासाइट है, एक पैरासाइटिक है वो।
एंड एनिमल्स, एनिमल्स कौन होते हैं, सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। एंड इंसेक्ट्स को कौन खाता है, पिचर प्लांट। इंसेक्ट को कौन खाता है, इंसेक्टिवायरस प्लांट, जिसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 मैच द कॉलम कंप्लीट हुआ अपना। एंड नाउ वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमको इंडिकेट करना है। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? नहीं, ये गलत है, फॉल्स। कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वो प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं? नहीं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा भी फॉल्स हो गया। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। यस, बिल्कुल नहीं, वो प्रोटीन नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी ट्रू है। हाँ, सोलर एनर्जी सूर्य की एनर्जी को ही रोक कर तो वो अपने अंदर की एनर्जी बना लेता है, बिल्कुल सही। ये चौथा वाला बिल्कुल ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक है इसके अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। वो पार्ट का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस में एयर को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है अंदर। ऑप्शन है रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेनी, पेटल्स। तो बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टोमेटा इसका सही आंसर है, इसको तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये फिर चूज द करेक्ट जैसा ही है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से मेनली किन चीज़ों से लेता है, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें स्टोमेटा ऑप्शन था तो स्टोमेटा करेक्ट हो गया। अब स्टोमेटा होता कहाँ है, लीफ में, तो ये इसका लीफ सही हो जाएगा। रूट्स, स्टेम, फ्लावर और लीव्स, तो लीव्स सही हो जाएगा। इसका फोर्थ वाला आंसर सही है, वो है लीव्स। नंबर 13, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर एडवांटेज टू द फार्मर्स। के क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हैं फार्मर्स के बहुत सारी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक लार्ज ग्रीन हाउस में वो उनको उगाते हैं, और इसके क्या एडवांटेज हैं? ये इसका चैप्टर का बिल्कुल लास्ट 13 क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा इसको। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज ग्रीन हाउस। इनको बड़े ग्रीन हाउस में इसलिए उगाया जाता है, करा जाता है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इसलिए कि नेचुरली जो क्लाइमेट होता है, कंडीशंस होती हैं, मान लीजिए कहीं बारिश आ गई, ज़्यादा बारिश हो गई तो दिक्कत आएगी, कि ज़्यादा सनलाइट मिल गई तो दिक्कत हो सकती है, कहीं ज़्यादा और भी काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, उनसे बचाने के लिए और एक उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे ग्रीन हाउस में इसको बढ़ाया जाता है, उगाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? दो एडवांटेज हैं इसके। इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। ये उसको बचाता है उसको किसी बीमारी से, प्लांटों को बीमारी होती है ना, एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन से ही बचाता है। सेकेंड है, इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स।
ये तेज आंधी तूफान पानी मानी से भी उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट है ना। और होप करते हैं बिल्कुल कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपसे आगे जुड़ेंगे और विद्याविहार स्कूल आपको बिल्कुल, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को विद्याविहार स्कूल स्वस्थ रहने की कामना करता है। इसी के साथ हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी।